नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको शकरकंद का पराठा बना करके दिखलाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। सबसे पहले तो हम शकरकंद को खूब अच्छी तरह से धोएंगे। धोने का मतलब इसे 10 मिनट आप पानी में छोड़ दें। इसके ऊपर जो भी मिट्टी लगा होता है ढीला पड़ जाता है। उसके बाद अच्छी तरह से रगड़ कर हम इसे धो लेते हैं। धोने के बाद आप एक बात का ध्यान रखें, शकरकंद थोड़ा मोटा होता है, उसमें स्वाद होता है, तो थोड़ा मोटा वाला ही शकरकंद लेकर के आएँ। और इसे मैंने हाफ कर दिया है, दो टुकड़े में काट दिया है। इससे कम से कम 6-7 पराठा बन जाता है। एक इतना बड़ा शकरकंद में 6-7 पराठा बन जाता है। तो इसे मैंने दो टुकड़े में काट लिया है। काटने से ये जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें हम शकरकंद को डालकर प्रेशर कुकर को पैक करके हम इसे एक सीटी आने तक पकाएंगे। एक सीटी में शकरकंद पक जाता है बहुत अच्छी तरह से। इसे मैंने बॉईल करके पका लिया है और पकाने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडा भी कर लिया है। इसे इस तरह से अगर छुरी वगैरह से आप डाल करके देखेंगे, आराम से अंदर चला जाता है, तो समझे ये पक चुका है। अब सबसे पहले हम आटा को गूंदेंगे। हम आटा को बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे चपाती बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, वैसे ही गूंद कर रख लेना है। और अब हम इसे ढक कर रखेंगे। बॉयल किए हुए शकरकंद को हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से ये एक जैसा रहता है, इस तरह से। देखिए, मैंने इसके छिलके को भी नहीं हटाया है, छिलका अपने आप हट जाता है। शकरकंद जो मैंने ग्रेट करके रखा है उसको ले लेंगे और उसमें डालेंगे गुड़। गुड़ हमें इसमें इतना डालना है कि ये मीठा लगना चाहिए। इसमें डालेंगे हरी इलायची का कूटा हुआ पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। गुड़ को भी ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करके तब इसमें डाल देंगे। शकरकंद में गुड़ को और हरी इलायची के पाउडर को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इन गुड़ को खूब अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है, तभी पराठा अच्छा बनता है और स्वादिष्ट भी लगता है। तो चलिए बना कर दिखलाती हूँ। कोई भी पराठा बनाना हो तो आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ा सा हम पाउडर आटा लेंगे, तवा को गर्म होने चढ़ा देंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पाउडर आटा को हाथ में लगाएंगे और गूंदे हुए आटा से बॉल बनाएंगे। तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। हम इस पर बेले हुए पराठा को डाल देंगे और इसे सेकेंगे।
तो लीजिए, हो गया तैयार शकरकंद का पराठा। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और झटपट भी बन जाता है। आप इसे बना कर देखें, आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।